हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहां पर देख सकते हैं ये टैली प्राइम का मेन मेन्यू है और यहां पर हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं और आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि टैली प्राइम में लेजर कितने तरीकों से बनाया जाए। तो कई तरीके हो सकते हैं, मैंने कई बार बताया भी है। चलिए इस वीडियो में फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ पर आपको क्रिएट दिखाई पड़ रहा होगा, तो क्रिएट पे जा सकते हैं और ये क्रिएट पे जाते ही आपको यहाँ पे लेजर नजर आएगा। आप सीधा लेजर पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए ये क्लिक किया और क्लिक करते ये विंडो ओपन होगी, जो भी लेजर आपको बनाना है यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम देंगे और यहाँ पे ग्रुप डालेंगे, यहाँ से चूज कर लेंगे और आपका लेजर बन जाएगा। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया, सबसे आसान तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी वाउचर में एंट्री पास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पेमेंट वाउचर है या परचेस वाउचर है, कोई भी वाउचर, जैसे मान लीजिए सेल्स ही वाउचर है, तो यहाँ पर जब आप आते हैं यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालने के बाद यहाँ पे आए, डेट डाला, फिर यहाँ पर आए, तो यहाँ पर मान लीजिए किसी डेटर पार्टी का लेजर बनाना, तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट सी करते हैं, अल्ट सी प्रेस करते हैं और अल्ट सी प्रेस करने के साथ साथ ये विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर जो भी आपको लेजर बनाना हो, जैसे यहाँ पर कोई भी एक लेजर बना देता हूँ, यहाँ पे ग्रुप डाल देता हूँ, सन्ड्री डेटर ग्रुप क्रेडिटर ग्रुप जो भी है यहाँ पे डाल करके एंटर करके और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो यहाँ पे ये लेजर क्रिएट हो जाता है आपका। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लेजर आ भी गया, डी के नाम से ये लेजर आ गया। ठीक है, अगला तरीका क्या हो सकता है, अगला तरीका ये हो सकता है कि आप मल्टीपल लेजर्स बनाए। मल्टीपल लेजर्स कैसे बनेंगे, तो मल्टीपल लेजर्स भी बनाना आसान है। देखिए उसके लिए आपको क्रिएट पे नहीं जाना है, यहाँ पर कई बार आते हैं बच्चे और यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करते हैं तो वहां पर इनको मल्टीपल लेजर्स का ऑप्शन ही नहीं नजर आता है। जब मल्टीपल लेजर का ऑप्शन नहीं नजर आता है तो परेशान होने लगते हैं, तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लेजर में सिंगल लेजर बनाने का ऑप्शन सिर्फ मिलता है, मल्टीपल लेजर्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर भी जाते हैं तो इसमें भी मल्टीपल लेजर्स नहीं मिलेगा आपको, अदर मास्टर में भी आपको मल्टीपल लेजर्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो करना क्या होगा, यहाँ से आपको बाहर आना है और सीधा चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट पे आए, सो इन एक्टिव पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको मल्टीपल जो लेजर्स हैं उसका ऑप्शन मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए ये जो लेजर दिया गया है इस पर चले जाइए और जैसे ही जाते हैं तो नीचे यहाँ पे मल्टी मास्टर आएगा, तो ये मल्टी मास्टर पे जैसे ही जाएंगे तो मल्टी क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। आप ना सिर्फ मल्टी क्रिएट लेजर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आए और यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप चूज कीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने सन्ड्री क्रेडिटर चूज किया। ठीक है, मैं यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर पे ही बता देता हूँ कि ये कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आप बनाएंगे, राम श्याम जो भी बनाएंगे ना, जैसे राम वन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे फिर राम टू, मैं एक एक एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर के दो लेजर, तीन, तीसरा लेजर राम थ्री करके बना दिया, अलग अलग नाम डाल सकते हैं, चौथा लेजर अवनीश के नाम से बना देते हैं। ये सब किस पार्टी के लेजर है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो इस तरीके से मल्टीपल लेजर्स बना सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि कैसे बनाना है। ठीक है ना, ओके।